I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुलजिम ठाकुर राजेंद्र सिंह वल ठाकुर भानु प्रताप सिंह गांव अनंतपुर पर इंडियन पैनल कोर्ट की दफा 376 के तहत अपने नौकरानी गीता यादव के साथ बलात्कार करने की कोशिश और इंडियन पैनल कोर्ट की दफा 302 के तहत अपने नौकरानी को कत्ल करने का इल्जाम है। योर ऑनर, थाना अनंतपुर के दरोगा की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम राजेंद्र सिंह के इन संगीन गुनाहों की सिर्फ एक चश्मदीद गवाह है और वो है मुलजिम की मां श्रीमती अंबा देवी। श्रीमती अंबा देवी ने खुद मुलजिम राजेंद्र सिंह को पुलिस के हवाले किया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। अंबा देवी, सरकारी वकील ने जो पुलिस की रिपोर्ट अभी अदालत में पढ़ी है उसके बारे में आपको जो कहना है यहां आकर कहिए। मैं गीता की सौगंध खा के कहती हूं, जो कहूंगी सच कहूंगी। मेरे बेटे राजेंद्र सिंह ने गीता की हत्या की है। राजेंद्र सिंह वल ठाकुर भानु प्रताप सिंह के वैश्याना जुर्म की वाहिद एक चश्मदीद गवाह मुजरिम की मां श्रीमती अंबा देवी के बयान को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुजरिम राजेंद्र सिंह को इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है।
घर छोड़ के मत जाओ बहू, बहू मत कहो मुझे, तुमने मुझे विधवा बनाया है, तुम हथियारिन हो। भाभी, मैं चाचा के पास रहूंगा, मैं दादी के पास रहूंगा, चाचा मुझे नहीं जाना है, दादी मुझे नहीं जाना है, छोड़ो मुझे, मैं नहीं चलूंगा, छोड़ो, चाचा मुझे नहीं जाना, दादी मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, चाचा मेरे को नहीं जाना, दादी नहीं जाना, छोड़ो मुझे, बेटा दूध पी लो। मैं यह दूध नहीं पीऊंगा, मैं काली गाय का दूध पीऊंगा, और वो भी अपनी दादी के हाथों से। दादी के हाथों से दूध पिएगा? उस दादी के हाथों से जिसने तेरे सर से तेरे बाप का साया छीन लिया? वो तेरी दादी नहीं है बेटा, वो तेरी दुश्मन है, वो हम सबकी दुश्मन है। आज के बाद कभी उस मनुष्य औरत का नाम इस घर में मत लेना बेटा, कभी मत लेना। नानी, कैसी हो अंबा? ठीक हूँ, रजत से मिलने गई थी। क्या बताऊँ अंबा, जब से वो लोग रजत को ले गए हैं, तुम्हारा पोता ना कुछ खाता है ना पीता है, दिन रात बस उसकी जबान पर एक ही रट रहती है कि काली गाय का दूध पीऊंगा दादी के हाथ से, काली गाय का दूध पीऊंगा दादी के हाथ से। मुझे यहां से ले चल दादी, मैं यहां नहीं रहना चाहता। पहले तू दूध पी ले मेरे लाल, देख मैं काली का दूध लाई हूं तेरे लिए, ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की, अपने खून से भरे हाथों से मेरे बेटे को दूध पिलाने की? इसके बाप को तो फांसी पर लटका ही चुकी हो, अब इस पर भी जादू टोना करके मुझसे छीन लेना चाहती हो? ऐसे अपशब्द मत बोल बहू, रजत मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है, तभी तुमने इसके बाप की जान ले ली। मैंने? हाँ हाँ, तुमने, तुमने हमारे झुके हुए सर पर लात मारकर, हमारे पुरखों की इज्जत पर थूक कर हमारी बेटी के सुहाग की हत्या की है। तुमने अपनी जिद और हट के मारे हमारे दामाद को सूली पर चढ़ाया है। जो सूली पर चढ़ा वो आपका दामाद था, तो वो मेरा बेटा भी तो था समझी जी। खामोश, फिर कभी हमें अपना संबंधी कहने की जरूरत न करना। ये संबंध राजा की चिता में जलकर राख हो चुका है, और वो चिता और उसकी आग तुमने लगाई थी। नहीं, अपनी मौत और अपनी चिता का जिम्मेदार खुद राजा था। जब भी कोई घोर पाप करता है उसे अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। जिस पल मेरे बेटे ने उस गरीब कुमारी लड़की की हत्या की, उसी पल उसने अपनी मां की ममता की भी हत्या कर दी। तो ये है कि पाप कोई करता है
और उसका रोना जिंदगी भर उसके सगे ही रोते हैं। बहू, मैं अब भी विनती करती हूँ, रजत को लेकर अपने घर चलो। घर? कौन सा घर? वो घर जहाँ से मेरे पति की अर्थी निकली, वो घर जहाँ से मेरे सुहाग की चूड़ियां टूटी, वो घर नहीं शमशान घाट है। अरे बहू, तेरा सुहाग लुटा है, तेरी मांग सुनी हुई है, तो मेरी कोख भी तो सुनी हुई है, मेरी ममता भी तो बेमौत मरी है। लेकिन कुदरत के फैसले के सामने हम सबको शीश झुकाना चाहिए। शीश तुम झुकाओ जाकर अपने घर में, हमारा सर न किसी के सामने झुका है न कभी झुकेगा। पिताजी ने बहुत बड़ी भूल की थी तुम्हारे सामने झुककर, वो नहीं जानते थे कि तुम क्या हो। अब निकल जाओ हमारे घर से, हमारे घर में खूनी और कातलों के लिए कोई जगह नहीं। मैं कहता हूं निकल जाओ। रणधीर, तूने मेरी मां पर हाथ उठाया, मेरी मां पर हाथ उठाया। मां कसम, मैं तेरे हाथ तोड़कर रहूंगा, कमीने कुत्ते। तूने मेरी मां पर हाथ उठाया, तूने मेरी मां पर हाथ उठाया। सूरज, ठाकुर साहब इसे माफ कर दीजिए। सूरज, छोड़ दे तुझे मेरी कसम। सूरज, मेरा कसूर था कि मैं यहाँ आई, इन लोगों का कोई दोष नहीं है। चल बेटा, कर चल, कर चल सूरज। वो बदचलन और बदकमाश तो तुम्हें छोड़कर चला गया प्रभा, लेकिन हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। सुनो 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 गांव वालों, आज अनंतपुर और उसके 10 गांव के सरपंच का चुनाव होने वाला है, इसलिए दिन के तीसरे पहर गांव की चौपाल में सब लोग इकट्ठे हो जाएं। अरे भैया, इस साल भी अपना कुर्ता पाजामा टोपी और 5 शेर गुड़ पक्का है। वो कैसे बनने का? अरे भाई, ठाकुर जसवीर सिंह के अलावा अनंतपुर का सरपंच और कौन बन सकता है? अरे ठाकुर साहब आगे, ठाकुर साहब आगे। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गांव वासियों, अनंतपुर और उसके 10 गांव की जनता के पुरजोर अनुरोध को ध्यान में रखते हुए गांव अनंतपुर और बाकी के 10 गांव के पंचों ने इस साल सर्वसम्मति से मां अंबा को अपना सरपंच चुना है। ठाकुर साहब, पंचों ने भूल की है, मैं अनपढ़ गवार सरपंच बनने के लायक नहीं हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, सरपंच की जिम्मेदारी आप ही संभालिए। आज का दिन हमारे गांव के लिए सबसे बड़ा शुभ दिन है। वैसे तो हर साल ही मां अंबा गांव के मंदिर में दुर्गा माता का जगराता करवाती है, लेकिन आज हमारी सरपंच बनकर मां दुर्गा का जगराता कराएगी। मां अंबा की जय।
For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.